हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करूंगा मार्वल स्टूडियो की अपकमिंग सबसे ज्यादा बहुचर्चित फिल्म थॉर 4 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। इसका जो अपडेट हमें ऑफिशियली पता चला द वर्ल्ड डिज्नी कंपनी इन्वेस्टर डे 2020 से। मैंने सोचा कि ये अपडेट जो आया है इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो तो बनती है, तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ थॉर लव एंड थंडर के ऑफिशियली विलेन प्लॉट के बारे में। जी हाँ, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक थॉर ही एक ऐसा कैरेक्टर बचा हुआ है जिस पर हम डिपेंड हो सकती हैं। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो तो रहे नहीं अब, और देन हॉकआई और हल्क पर टीवी सीरीज आ रही है, तो थॉर ही हमें पूरा इंजॉयमेंट दे सकता है इन फ्यूचर। इन्वेस्टर डे में थॉर का लोगो तो अपडेट कर ही दिया, पर साथ ही साथ एक कैरेक्टर को अनाउंस कर दिया जिसका नाम है गौर द गॉड बूचर। अब इसे मैं गौर के नाम से ही बुलाऊंगा। अब ये फिल्म इसके कैरेक्टर से चर्चा में नहीं है, चर्चा है ऑस्कर विनिंग एक्टर, वर्ल्ड फेमस डार्क नाइट बैटमैन का कैरेक्टर प्ले करने वाले क्रिस्टियन बेल। जी हाँ, इसका ये ऑफिशियली कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं गौर का, और देन ये विलेन बहुत ही ज्यादा कमाल का है जब मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊंगा। अब इन्वेस्टर डे में 2020 में काफी सारी मार्वल की टीवी सीरीज और मूवीज को अनाउंस करा गया और कुछ की रिलीजिंग डेट को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया। जी हाँ, जिसमें कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था थॉर के लिए। तो अब आप सभी जानते हो कि एवेंजर्स एंड गेम काफी ज्यादा चर्चा में रही, पर मार्वल फेज 4 में सबसे बड़ी लेवल की जो मूवी बन रही है वो है थॉर, ये आपको मैं क्लियर कर दूं। और फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि इस मूवी में हमें कुछ नया डिफरेंट देखने को मिलेगा, तो वो डिफरेंट क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले ये मूवी रिलीज हो रही है 6 मई 2022 को, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है इन्वेस्टर डे में। जी हाँ, अब ये डेट चेंज नहीं होगी। और अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। तो गौर, जो गॉड द वूचर है, इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है पर खतरनाक भी है। जब ये छोटा बच्चा था और जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे, तो उनके संग क्या हुआ कि इसकी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया। अब ये किसने मारा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, पर गॉड द गूचर के पूरी फैमिली को तबाह कर दिया, सभी को मार दिया गया। और जब गौर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इनकी फैमिली में जो एक रीति रिवाज है कि जब भी कोई फैमिली का मेम्बर मरता है तो उसकी सारी पावर को आने वाले वंशज को मिल जाती है। तो यानी कि गौर की फैमिली में जितने भी लोग थे उन सबकी पावर गौर में आ गई थी, और गौर ने तभी प्रण ले लिया था, यानी कि तभी शपथ ले ली थी कि अब मैं किसी को, गॉड को नहीं छोड़ूंगा, सभी देवी देवताओं को मार दूंगा। तो इस लिस्ट में सबसे टॉप पे जो नाम आता था वो था थॉर का। जी हाँ, तो अब गौर अर्थ पे जाके आइसलैंड में जाके आम पब्लिक को मार मार के आइसलैंड में डाल देता है, पर यहाँ पे थॉर को ये बात पता चल जाती है और तब इनमें थमासान युद्ध होता है। जी हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये कैरेक्टर यहाँ पे हार जाता है, पर आने वाले कुछ कैरेक्टर इसको रोकेंगे, जिसमें कि सबसे पहले स्टार लॉर्ड रिटर्न हो रही है, सिर्फ रिटर्न हो रही है, अब ये रैग्नोक में कैसे बच गए ये कन्फर्म नहीं है, और फैटी थॉर भी रिटर्न हो रहा है, यानी कि मोटा वाला आपको थॉर इसमें देखने को मिलेगा, और तो और विलेन के तौर पे गौर तो आपको देखने को मिलेंगे ही, और साथ ही साथ वेलकरी में से रिटर्न हो रही है जो कि थॉर की टीम में शामिल होंगी, और तो और क्रॉक भी इसमें रिटर्न हो रहा है, जिसकी आवाज़ ताकिया वेटिटी देने वाले हैं और जो कि इसे ऑफिशियली डायरेक्ट भी करेंगे, और तो और सबसे बड़ा सस्पेंस लेडी थॉर, जी हाँ, जो कि जेन फॉस्टर इसका कैरेक्टर प्ले करेंगी। जी हाँ, तो गाइस ये थे वो काफ़ी सारे कमाल के अपडेट। अब बात ये आ जाती है कि थॉर की जब टीम इतनी पावरफुल है, जिसमें कि स्टार लॉर्ड थोड़ा कमज़ोर सा लग रहा है मुझे, पर ऐसा नहीं है वो कमज़ोर है, पर अब जो थॉर की टीम है क्या ये गौर से लड़ पाएगी, और गौर कितना ज़्यादा शक्तिशाली दिखाया जाएगा इस मूवी में ये अभी क्लियरफाई नहीं हुआ है। तो जो भी होगा, थॉर लव एंड थंडर धमाकेदार होने वाली मूवी, और एवेंजर्स एंड गेम के बाद ये मूवी सबसे ज़्यादा चर्चा में मार्वल फेज 4 में। जी हाँ, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो, अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें, रियली में आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर थॉर के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।